सब्सक्राइब करें एके रिपेयर इन्फो यूट्यूब चैनल को और हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकॉन पे जरूर प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हमारे पास एक मोबाइल है सैमसंग J2 कोर और इस पर एक एरर है जो कस्टम बाइनरी ब्लॉक बाय FRP बूट इमेज का जो एरर आया है। ये किस वजह से आता है? इसकी वजह ये होती है कि अक्सर मोबाइल पर जब FRP लॉक लगा होता है तो हम उसको किसी क्रैक के ज़रिए FRP रिमूव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हालांकि बहुत ज़्यादा ही मसला बन सकता है जिसके साथ ये एरर आ जाता है और एरर की वजह से मोबाइल इस कंडीशन में चला जाता है। तो हम पहले इसका वर्जन चेक करेंगे कि इस मोबाइल पे कौन सा वर्जन लगा हुआ है। तो इसको हम रिकवरी मोड पे लेके जा रहे हैं। हम रिकवरी मोड पे जाके इसका एरर देखेंगे कि हम इसका कौन सा फाइल जो इसको राइट करेंगे जिससे मोबाइल ईजिली तरीके से हमारा ओके हो जाए। और जैसे मोबाइल हमारा इजी तरीके से ओके हो जाएगा तो फिर हम इसका FRP रिमूव करेंगे। FRP रिमूव ज़्यादातर वीडियोस में दिखाते हैं कि FRP बाईपास का तरीका, और हम मैं भी वही तरीका करूँगा कि इसको FRP हम इसका बाईपास करेंगे। तो सबसे पहले मोबाइल को हमें ओरिजिनल कंडीशन में लाना है, तो हम देखते हैं कि इसमें कौन सी फाइल राइट होगी। तो इसमें लिखा हुआ है कि S2 का, मैं यहाँ पर हिडन कर रहा हूँ, S2 का मतलब यह है कि इसमें U2 का वर्जन है, U2 की बाइनरी है जो इस पर ऐड होगी, इसमें 7.1 का लेटेस्ट वर्जन जो सॉफ्टवेयर किया हुआ है। तो हम सेम यही करेंगे जिससे हमारा मोबाइल इजी तरीके से ओके हो जाए। तो सबसे पहले मैं इसको हार्ड रीसेट कर लेता हूँ। जैसे इजी का हार्ड रीसेट करने के बाद हम इसको रिबूट करता हूँ। रिबूट करने के बाद देखता हूँ कि शायद कोई इस मसले का हल हो जाए, लेकिन अगर ना हुआ तो हम इसको नए तरीके से फ्लैश करेंगे ताकि हमारे मोबाइल का सोल्यूशन का हल हो जाए। इसलिए हमें अब इसको डाउनलोड मोड पे लेके जाएंगे। जैसे हम इसको डाउनलोड मोड पे लेके जाएंगे तो आप देखेंगे FRP लॉक ऑन है और OEM का भी ऑप्शन ऑन है, तो इसका कोई इशू नहीं है। हम इसको ओरिजिनल तरीके से फर्मवेयर करेंगे। ओरिजिनल फर्मवेयर करने के बाद मोबाइल इंशाल्लाह असली कंडीशन में आ जाएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको दिखाते हैं कि उसको हम कैसे कर सकते हैं। जी फ्रेंड, मोबाइल मुकम्मल फ्लैश होने के बाद ये अब
इसी कंडीशन में आ रहा है और ये इस टाइम मोबाइल रिबूट हो गया है और ये इंस्टॉलिंग सिस्टम अपडेट कर रहा है, तो थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा ताकि ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम लगाने के बाद जब इसको ऑन हो जाएगा तो हम देखेंगे कि हमारी सोल्यूशन हल हुआ है कि नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 90% इसका सोल्यूशन कर दिया है और मोबाइल अपनी असली कंडीशन में आने लगा है। तो ज़्यादातर आपने कोशिश करनी है कि क्रैक का इस्तेमाल नहीं करना, क्रैक का इस्तेमाल करने से मोबाइल में काफ़ी इशू आ सकते हैं, मोबाइल डेड बूट पे भी जा सकता है जिससे आप काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो कोशिश किया करें जब आपने FRP को रिमूव करना है तो किसी डोंगल का, किसी बॉक्स का, किसी टूल का इस्तेमाल करें जिससे आप इजीली मोबाइल का FRP रिमूव कर सकते हैं। क्रैक का इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, मोबाइल को बहुत कुछ हो सकता है। देखें गाइस, सबसे पहले आपको शुरू में देखा था कि सैमसंग गैलेक्सी J2 आ रहा था, लेकिन अब मैंने इसको जो ओरिजिनल फर्म किया तो इसमें आ रहा है सैमसंग J2 Pro। तो इसका मतलब यही है कि क्रैक की वजह से या रॉन्ग फाइल लगाने की वजह से ये इशू आया है। अब मैंने ओरिजिनल फाइल की है, ओरिजिनल फर्मवेयर किया है, उसके साथ राइट करने के बाद ये मोबाइल का नाम भी चेंज हो गया और ये असल कंडीशन में आ गया है। तो दोस्तों अब इतना ही वीडियो के में, अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका FRP कैसे बाईपास कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।